दोस्तों वेव सिनेमा आ चुके हैं हम, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है। लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया हूँ और बिल्कुल लग ही नहीं रहा है दैट यू आर इन वेव। बिल्कुल यहाँ पे टोटल साइलेंस एवरीवेयर, तो बहुत ज़्यादा सन्नाटा वेव के अंदर। लॉकडाउन को 4 महीने हो चुके हैं बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर आपको बिल्कुल कोई रौनक दिखाई नहीं दे रही होगी। लोग अभी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आप देख रहे होंगे बिल्कुल यहाँ कोई नहीं है। शाम का टाइम है, टोटल साइलेंस आपको वेव में दिखाई दे रहा होगा। ये बाहर का हिस्सा है वेव का, मैं आपको दिखाता हूं और अच्छे से। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे देयर इज टोटल साइलेंस हियर इन वेव एंड नोबडी इज अराउंड, सो कुछ नहीं है बिल्कुल यहां पर, टोटल साइलेंस। ना ही मूवीज चल रही हैं, ना ही लोग आ रहे हैं, कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं अभी भी लोग। तो आप देख रहे होंगे वेव का इनसाइड व्यू है ये, लेकिन कोई कस्टमर्स नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है बिल्कुल बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंदर की तरफ भी। ये देखिए बॉक्स ऑफिस बिल्कुल सूना सूना नजर आ रहा है यहाँ पर लॉकडाउन के बाद। देयर इज नोबडी इनसाइड, सो बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल धमाल नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा सन्नाटा यहाँ पर बॉक्स ऑफिस के ऊपर। देखिए लॉकडाउन के बाद लोगों की थोड़ी छोटी मोटी भीड़ थी। लोग जान हथेली पर लेकर शॉपिंग करते थे। अरे यही तो है, आपका मुरादाबाद एक नजर में। अब ये देखिए हम आ चुके हैं जेल रोड पर, बुद्ध बाजार से निकल कर ये है यहाँ का पोस्ट ऑफिस जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जेल रोड का आनंद लीजिए, ये बहुत ही खूबसूरत जेल आपको मुरादाबाद की दिखाई जा रही है लाइव। जेल को बाहर से अंदर से देखने की उत्साह भी ना करें।
तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा शाम के टाइम जेल रोड का यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे मुरादाबाद घूमने में। ये मुरादाबाद का व्लॉग आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं आदिल और शावेज। हमारे साथ रहिए इसी तरह आपको। ये है PPI क्लिनिक पांडे। अगर किसी की आंखों में खराबी है तो भाई इन्हें जरूर दिखाएं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं कांट रोड पर। बहुत ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कांट रोड, बहुत खूबसूरत है ये और बहुत एडवांस इलाका है मुरादाबाद का। अगर यहाँ आप स्टे करने की सोचे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको इस रोड के ऊपर। तो ये चल रहा है आपका कांट रोड, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर कांट रोड पर हैं हम इस वक्त। और ये शाम का नज़ारा है यहाँ पर। एंजॉय कीजिए हमारे साथ कांट रोड पर। दोस्तों ये कांट रोड पर जिला अधिकारी महोदय का आवास आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत आवास है। यहाँ पर शहर के DM साहब बैठते हैं। खूबसूरत हरियाली आपको दिखाई दे रही होगी कांट रोड के ऊपर। जितने भी अधिकारी लोग हैं मुरादाबाद के सब इसी रोड पर बैठते हैं, यहीं से जनता की समस्याओं का निराकरण करते हैं। ये देखिए कोठी बिल्कुल आपको दिखाई दे रही होगी सामने, ये सारी कोठियां कांट रोड पर स्थित हैं आपकी। ये अपर जिला अधिकारी महोदय का आवास यहाँ से अभी आपने देख रहा होगा, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए मुरादाबाद की ऑफिसर्स कॉलोनी, ऑफिसर्स कॉलोनी है, यहाँ पे सारे ऑफिसर्स लोग रहते हैं मुरादाबाद के। ये भी आपकी कांट रोड पर ही स्थित है। तो ये कांट रोड का नज़ारा मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ शाम के वक्त का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। ये SP सिटी ऑफिस है, ये देखा होगा आपने। ये पुलिस मॉडर्न स्कूल है, देखिए आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये देखिए मुरादाबाद का गांधी आश्रम कांट रोड पर स्थित है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर अगर खादी के कपड़े चाहिए हो तो यहाँ ज़रूर आइए गांधी आश्रम। तो दोस्तों ये कांट रोड पर ही अभी हमारा सफ़र चल रहा है इस टाइम। और सारी लोकेशंस आपको कांट रोड की हम दिखा रहे हैं लाइव अपने इस ब्लॉग के अंदर, जो है मुरादाबाद का स्पेशल। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मुरादाबाद जो नाम पड़ा है वो शाहजहां का एक बेटा था मुराद, उसके नाम पर ये पड़ा है नाम मुरादाबाद। तो ये पीतल नगरी के नाम से मशहूर है ये। कभी यहाँ पर पीतल का बहुत ज़्यादा काम हुआ करता था, लेकिन अब वो काम ठप हो चुका है। धन्यवाद दीजिए आप मोदी जी को इसके लिए। दोस्तों ये कांट रोड पर चलते चलते हम आ चुके हैं बहुत आगे, और ये कांट रोड ही चल रहा है आपका अभी तक। ये बहुत ही पुरानी दरगाह है कांट रोड पर, बहुत पुरानी ज़ारत है। यहाँ पे मन्नत मांगने काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पर हर बार। और ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर PVR सिनेमा पे हम यहाँ पहुँच चुके हैं कांट रोड पर। लगभग मेन मुरादाबाद से 4 किलोमीटर दूर है ये PVR सिनेमा, जो फिलहाल बंद पड़ा है लॉकडाउन के चलते हुए। कभी यहाँ पर बहुत रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब सन्नाटा आपको यहाँ साफ दिखाई दे रहा होगा PVR पर। लॉकडाउन के बाद का नजारा, श्री राम जन्मभूमि। हिंदू चलो हिंदू परी भी ले लिया।